नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत करता हूं अपने MRS स्टडी परिवार में। तो डियर, हम लोग जो है रिवर इंजीनियरिंग जो है डिस्कस कर रहे थे। तो रिवर इंजीनियरिंग में अब तक जो है हम लोगों ने जो भी थ्योरेटिकल कंटेंट था जो रिवर इंजीनियरिंग से रिलेटेड थे वो मैंने आपको बताया। कुछ चीज़ें हैं जो स्पेशल तरीके से जो मुझे बाद में कंटेंट जैसे जैसे मुझे मिलता गया वैसे वैसे अब मैं आप लोगों के साथ शेयर करते जा रहा हूँ। तो देखो, थोड़ा टाइम जरूर लग रहा है, बट ये मेरा पहला बार पढ़ाने का लिए जो है मैं स्टार्ट किया हूँ। इससे पहले मैं रिवर इंजीनियरिंग नहीं पढ़ाया और मैं कोई अपने आप को बड़ा प्रोफेसर या बहुत बड़ा आदमी नहीं समझता हूँ। मैं भी आपके जैसा ही एक स्टूडेंट हूँ, ठीक है। मैं कोई बड़ा विद्वान आदमी नहीं हूँ। तो मैं आप लोगों के रिक्वेस्ट के बेसिस पे मैं कंटेंट को जो है तैयार किया हूँ और अपने तरीके से बेस्ट आपको देने की कोशिश किया हूँ। अगर कोई गलती रह जाती है, किसी तरीके का कोई कमियाँ रहती है, तो प्लीज़ आप हमें अपडेट करिए। डेफिनेटली हम उस चीज़ को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे, बट मुझसे जितना बन पाएगा उतना ही मैं कर पा रहा हूँ। थोड़ी बहुत अगर एरर रह जाती है या कुछ पॉइंट छूट जाता है तो प्लीज़ आप हमें सपोर्ट ज़रूर करें, क्योंकि जो भी कंटेंट मैं यहाँ पे दे रहा हूँ कहीं ना कहीं से मैं भी सर्च कर रहा हूँ। तो जितना मेरे पास मिलेगा, जितना मुझे मिलेगा उतना उसके अनुसार ही मैं आपको दे पाऊँगा। अगर नहीं मिलेगा तो फिर कैसे दूँगा। उसी में एक स्टूडेंट का कमेंट आया था, मैसेज भी आया था कि मुझे जो है सिर्फ P/Q क्वेश्चन जो है प्रोवाइड करा दीजिए, हमें कोर्स परचेज नहीं करना है, हमें नोट्स परचेज नहीं करना है। तो भाई, नहीं कर सकते हो तो खुद से सॉल्व कर लो, खुद से सॉल्व कर लो। आपके लिए मैं बैठ कर सॉल्व कर रहा हूँ। ऐसा तो नहीं है कि ये सब्जेक्ट बहुत अच्छा सब्जेक्ट है या पार्टिकुलर आपका सेमेस्टर वाइज मैं आपको यहाँ पे करवा रहा हूँ। अगर ये अगर कॉम्पिटिटिव पॉइंट ऑफ व्यू से करवाते लीवर वेट आपको सबसे पहले गिवन डाटा लिखना है, उसके बाद यहाँ पे लेन और गाइडलाइन का
According to that reasoning, water wave came back. जो यहाँ पे ये आया वही में हमारा clear water wave निकला है. अब ये लैटी जो theorem है या methods है और एक kinetic method होता है, वो भी कर सकता है. जब भी हम लोग canal को design करते हैं तो है ना, kinetic method और lattice method को देखने को मिलेंगे. कितना है 198 मीटर 198.9 है ये 199 मीटर आपका हो जाएगा. 199 मीटर जो है आपका हो गया. ओके, तो यहाँ पे ये जो फेस है ये आपका लेंथ है, ये आपका है 142 मीटर, ये जो है आपका 110 और यहाँ से यहाँ तक है 552.5 मीटर है. और ये है, ये आपका रिवर का वो वह एरिया है जहाँ तक मैक्सिमम फ्लड वाटर है पहुँच सकता है ना. जो मैक्सिमम फ्लड वाटर है वो आपका पहुँच सकता है उसको और डाउन स्ट्रीम इंड पे जो एंगल बनता है
वीकनेस ऑफ एप्रोन की बारे में बात किया जाए तो कितना है 1.5 मीटर है और ये जो HFL है हाई फ्लड लेवल जो तैयार करेंगे
वो भी मैं आपको यहाँ पे लिखूंगा। उसके बाद अगला प्रश्न है, व्हाट आर द एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज ऑफ रिवर ग्रेडिंग बाय एम्बैंकमेंट, कारण रिवर ग्रेडिंग किया जाता है एंड नॉट एम्बैंकमेंट है, तो उसका क्या एडवांटेज है और डिसएडवांटेज है रिवर ग्रेडिंग में, वो मैं आपको क्या करना है। उस टर्म से ग्रूनीज जो टर्म है इसे आप क्या समझते हैं और ग्रूनीज को कितने तरीके से एक्सप्लेन करना है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, एक्सप्लेन इन डिटेल ब्लड प्रोटेक्शन वर्क, जो ब्लड प्रोटेक्शन वर्क होता है उसको डिटेल में आपको क्या करना है, एक्सप्लेन करना है। उसके बाद यहाँ पे अगेन अगला क्वेश्चन है कि कटऑफ क्या होता है और कैसे रिवर ट्रेनिंग वर्क मेथड में इसका यूज किया जाता है। उसका अगला क्वेश्चन है कि पिच्ड आइलैंड क्या है और उसका यूज कहाँ पे होता है और उसका क्या लिमिटेशन है वो बताना है, और राइट शॉर्ट नोट ऑन बैंडलिंग, बैंडलिंग पे आपको जो है शॉर्ट नोट लिखना है। यहाँ पे जितने भी क्वेश्चन जिसका आंसर मैंने नहीं दिया है इन क्वेश्चन का दिक्कत है क्या दिक्कत नहीं है, ताकि आपको लोगों का बेटर सॉल्यूशन आप लोगों को दिया जा सके।